नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब हम मकर राशि के 2023 के पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये वर्ष आपके पारिवारिक जीवन में कई तरीके के तनाव बना रहा है। आपको सुख समृद्धि के मार्ग में कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर विश्वास की कमी दिखाई देगी, इसलिए आपके परिवार में कहासुनी का माहौल बनता रहेगा। परिवार में आपकी बात को लेकर लोगों का विश्वास कम होगा। भाई बहनों के साथ रिश्तों में कमी महसूस करेंगे। अप्रैल के महीने के बाद आपकी खुशी फिर से वापस आएगी। आपका पारिवारिक जीवन में कई तरीके के बदलाव आएंगे, लेकिन कुटुंब में सुख की कमी रहेगी। माता पिता के साथ हालांकि आपका संबंध मधुर रहेगा, कोई काम करने से पहले आपको अच्छी तरीके के सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। परिवार में स्थायी संपत्ति का विवाद हो सकता है, खर्च भी आपके बढ़ जाएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। आपको सरकारी कार्यों से लाभ हालांकि अवश्य मिलेगा। अगर आपके व्यापार और नौकरी की बात करें तो ये वर्ष व्यापारियों के लिए शुभ साबित होगा। आपके व्यापार से आपको उत्तम लाभ होगा। जितना निवेश करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। मई महीने के बाद सोच समझकर आपको निर्णय लेने चाहिए, जिससे आपकी हानि ना हो। जून महीने के बाद फिर आपका व्यापार गति पकड़ लेगा तथा व्यापार को नई दिशा मिलेगी कि जो लोग जमीन, वाहन, भूमि के व्यापार में व्यस्त हैं, उन्हें सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। इसमें कोई ज्यादा निवेश ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मित्र हालांकि आपका पूरा सहयोग देंगे और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपके साथियों के साथ आपका बर्ताव ठीक नहीं रहेगा। अधिकारी का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और दबाव में नौकरी ना छोड़ें, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष के अंतिम महीने में आपको नौकरी से हालांकि लाभ मिलेगा। आपको ये वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा आर्थिक तौर पर। अगर आपकी शिक्षा और करियर की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष शुरुआत में थोड़ी परेशानी दायक होगा। कई तरह से शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। सहपाठियों का पूरा सहयोग आपको नहीं मिलेगा। अप्रैल के बाद आपके सितारे बुलंद होंगे। उच्च शिक्षा की पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं तो परिवार में अच्छे आपको सहयोग मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को इस वर्ष के अंत में सफलता मिलेगी। करियर आपका पूरा सहयोग करेगा। अपने कार्य स्थल पर आपको ध्यान देना चाहिए, वहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रैल महीने में संभल कर रहे हैं, नौकरी को लेकर आपको परेशानियां हो सकती हैं। अगर 2023 में आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपके प्रेम संबंध में परेशानियां बनी रहेंगी। मंगल के कारण आपके प्रेमी के साथ रिश्ते में अनबन रहेगी। उनको आप समझा नहीं सकते, आपके ऊपर से उनका विश्वास खत्म होगा। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अपने प्रेम संबंध में रिश्ते आपके टूट सकते हैं। अप्रैल के बाद आपके सभी रिश्तों में सुधार होगा।
संयम रखें। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए वर्ष पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। आप एक दूसरे से बात करते रहें, वर्ष के अंत में आप परिणय सूत्र में बंध जाएंगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। इसलिए वर्ष की शुरुआत आपको कुछ परेशानियां देगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा ताकि अप्रैल के बाद आपके संबंधों में सुधार हो सके। अगर आपके स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो ये वर्ष आपको स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। छाती में दर्द या फिर संक्रमण बनेगा। मौसमी बीमारी आपको परेशानियां देंगी। सुबह के समय आपको टहलना चाहिए और अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 2023 में हम आपके करियर की बात करें तो फिर मकर 2023 करियर राशि फल के अनुसार इस वर्ष मकर राशि के जातकों को अपने करियर में बहुत ज्यादा सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपके दसवें भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम में आपका मन नहीं लग रहा, तो आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पा रहा, और अगर आप अपने दिमाग में नौकरी छोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें और अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते रहें। मई का महीना और उसके बाद नवंबर के महीने में आपको किसी अच्छी जगह आपका तबादला हो सकता है। अप्रैल के महीने में नौकरी छूटने की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन दूसरी नौकरी मिल जाएगी। आप आवेदन करते रहें। इस प्रकार उतार चढ़ाव के बीच आप आगे बढ़ेंगे। साल 2023 में आपका शुभ अंक 4 रहेगा। शुभ रंग काला रहेगा। और अगर शुभ रत्न की बात करें तो किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न बिना ज्योतिषी की सलाह के धारण नहीं करना चाहिए। वर्ष 2023 आपके लिए कम कष्टदायक हो, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल में तिल डालकर जल अर्पित करना चाहिए और शाम में घी के दीपक जलाएं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप वर्ष भर गरीबों को दान देते रहें। हालांकि ये वर्ष आपके लिए इतना उत्तम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको संयम से काम लेना चाहिए। अगर आप संयम और धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो कठिन चुनौतियों से आसानी से पार पा लेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।